हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि पिछले कुछ दिन हमने क्या क्या खाया है। अगर ये मैंने पूरा फिनिश प्रोडक्ट भी नहीं दिखाया है, पर या आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है देखना। सो जल्दी से आपके साथ शेयर करती हूँ, छोटी सी वीडियो होने वाली है ये। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मुझे बताना कि आपको कौन सा मील अच्छा लगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल खाना होने वाला है। अगर आप ये चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करना अगर आपको अच्छा। तो हफ्ते की शुरुआत हुई है जीरा आलू के साथ एंड मशरूम मटर की सिंपल सी करी। हस्बैंड की तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने उनके लिए सिंपल सा खाना बनाया है, काफी स्वादिष्ट बना था। इसके साथ अनियन भी है एंड चटनी भी। एंड हस्बैंड को अपस्टेयर बैठ के खाना था फॉर सम रीजंस, तो उन्होंने ऊपर बैठ के खाया। मज़ेदार खाना था। Hey guys, we came to Canadian Tire to check out unboxing deals, but we didn't find out much. But we're still looking. Yeah, but we're still looking. Who buy this for Who buy this for? कोई है डिनर special सस्ता. We can get it. Our one is breaking down in pieces. तो आज ये बहुत ही पतली पतली एंड लॉन्ग बीन्स मिल दी है वॉलमार्ट से, वो मैं लेके आई और उसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अलग था नॉर्मल रेगुलर बीन्स से। आज मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, वो बहुत अच्छी लगती है हस्बैंड को, क्योंकि उनको इतना अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मैंने फ्रेश मक्खन भी बनाया है, क्योंकि इस आलू मटर पर जब फ्रेश मक्खन होता है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ओ सियाना या न्याना, ओ नहीं खाना परौंठिया, तू ही आ बच्चे। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਚਪਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਬਚਪਨ ਰੱਖਿਆ। सो वेनसडे के दिन मैंने बनाए हैं बैंगन भर के बटर रस्से वाले एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सॉफ्ट। इसकी रेसिपी मेरे किसी यूट्यूब व्लॉग में ज़रूर से होगी। सो मैं बैंगन को पहले फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसका सिंपल सा अनियन एंड टमाटर का तड़का लगाते हैं एंड जब तड़का कुक हो जाता है उसमें थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं रस्से के लिए, क्योंकि इससे बैंगन बहुत सॉफ्ट बनते हैं एंड उनमें मसाला रच जाता है अच्छी तरह। इसको हमने फुलके के साथ खाया। आज हस्बैंड अच्छा फील कर रहे थे तो उनका मन था हलवा पूड़ी चना खाने का। जब भी उनका अच्छा मन होता है तो ये मील उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बनाए हैं वाइट चने और सूजी का हलवा एंड पूड़ी एंड काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बना था एंड रायता भी है एंड हस्बैंड खुश हो गए। कितने दिन से उनका ना मन नहीं कर रहा था कुछ खाने के लिए। आज हम बनाएंगे आलू गोभी। एक दिन ऐसा भी आता है जब हमारा आलू गोभी खाने के लिए मन बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाता है। आपके साथ ऐसे होता है? सो आलू गोभी बहुत अच्छी मिली थी मुझे, गोभी मतलब। सो इसका प्यारा सा तड़का लगाएंगे। आलू गोभी में मैं गार्लिक ऐड करती हूँ, अनियन ऐड करती हूँ एंड हरी मिर्ची, जिंजर एंड ऑल्सो टमाटर भी। बहुत सारे लोग हैं जिनको टमाटर अच्छा नहीं लगता है आलू गोभी में, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आलू गोभी खाने के बाद हस्बैंड ने की है स्नो क्लीन। सो स्नो पड़ी है थोड़ी एंड उसके बाद हिम्मत को जाना था उसके किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी पे। एंड जब हम बर्थडे पार्टी की से शॉपिंग मॉल में थी तो उसके वहाँ पे हस्बैंड ने एंड मैंने ये थोड़े सा सामान खा लिया। मैंने खाया नूडल बॉक्स से नूडल्स एंड ये स्टर फ्राई वेजिटेबल्स एंड हस्बैंड ने खाई है न्यूयॉर्क फ्राइज। बढ़िया।
सो आज है सैटरडे का दिन, आज मैं बनाऊंगी साग मेरे पति को खुश करने के लिए, पर हिम्मत को खुश करने के लिए मैं पैनकेक बना रही हूँ एंड वो साग नहीं खाता है, तो मैं राजमा के लिए टमाटर को भी बॉईल कर रही हूँ, तो राजमा राइस भी बनेंगे आज एंड साग भी। साग के साथ मक्की की रोटी, फ्रेश मक्खन। फॉर सम रीजन आज मेरा मन किया कि मैं ना राम लड्डू भी बनाऊंगी, तो उसकी तैयारी भी मैंने आज ही शुरू कर ली है। ये सारी तीन डिफरेंट दालों को भिगो के गार्लिक एंड लहसुन एंड मिर्ची एंड देन इसको ग्राइंड करके पकौड़े से बनाएंगे, वो कल बनाऊंगी मैं। सो ये प्यारा सा साग का मील तैयार है। आज है संडे, आज मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, तो हम खाने वाले हैं पिज्जा। पिज्जा खाने वाले हैं और हिम्मत को मैंने सारी सब्जियाँ क्लीन करके दिया है एंड सारा कुछ मेरे पास आ गया है। सो आज का डिनर है खूबसूरत पिज्जा, वेजिटेरियन पिज्जा ही खाते हैं हम लोग। और एक दोस्तों, सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के साथ हम डन हैं। जल्दी ही मैं कोई नया व्लॉग लेके आती हूँ वापस। आई लव यू गाइस सो वेरी मच। बाय बाय।